Welcome to Full Stack Web Development course. My name is Meenakshi and I'm your trainer. इस वीडियो सेशन में हम टेक्स्ट एरिया, रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. कैसे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए मल्टीपल ऑफ लाइन टेक्स्ट इनपुट को. फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट नहीं है. इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है. सो दिस इज ओपनिंग टैग फॉर टेक्स्ट एरिया एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग फॉर टेक्स्ट एरिया. जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं इनके बिटवीन हम लिखेंगे. टेक्स्ट एरिया ओपनिंग टैग कैरी करता है नेम, कॉलम्स, रोज. लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल फॉर्म एक्शन. एक्शन एट्रीब्यूट कैरी करता है पेज के URL को. हम प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. डॉट एग्जाम्पल .com / comments .php close. पैराग्राफ एक डिफॉल्ट पैराग्राफ हम क्रिएट करते हैं फॉर्म 10. अब हम टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे ये देखेंगे. सबसे पहले टेक्स्ट एरिया ओपनिंग टैग जो कैरी कर रहा है नेम. नेम हम कमेंट्स. हम एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम नंबर ऑफ इनपुट लाइंस देते हैं. इसको हम कमेंट्स नेम देते हैं. कॉलम्स कितने नंबर ऑफ हमें कॉलम्स देने हैं ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है. हम अपने अकॉर्डिंग भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. रोज इक्वल्स टू 20. नाउ क्लोज ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग फॉर टेक्स्ट एरिया. ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बिटवीन हम कंटेंट को लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल एंटर योर कमेंट्स. नाउ क्लोज. सेव करेंगे फाइल को और नाउ ओपन दिस फाइल HT3E1. So you can see this is our text area text box. I can write anything between this जिसका साइज मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है. कॉलम्स 20 एंड रोज ऑल्सो 20. नाउ अब हम इनपुट टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट एरिया इनपुट के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम रेडियो बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं ये पढ़ेंगे. रेडियो बॉक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे HT4A1.html extension. सो न्यू फाइल क्रिएट कर चुके हैं. अब हम रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं ये पढ़ेंगे. रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए हमें टाइप में रेडियो वैल्यू को देना पड़ता है. नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करता है किस टाइप का हम रेडियो बटन क्रिएट कर रहे हैं. वैल्यू एट्रीब्यूट इंडिकेट करता है क्या नेम हम अपने रेडियो बटन को दे रहे हैं. रेडियो बटन क्रिएट करने के साथ में हमें चेक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जो ये इंडिकेट करता है
जब हम पेज को लोड करेंगे क्या सिलेक्टेड होगा क्या सिलेक्टेड नहीं होगा, जो वैल्यू होती है इस एट्रीब्यूट की चेक होती है। जितने भी हम रेडियो बटन्स क्रिएट करेंगे उसमें से केवल एक एट्रीब्यूट, एक रेडियो बटन में हम चेक रेडियो चेक एट्रीब्यूट को डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर्म एक्शन, फॉर्म ओपनिंग टैग जो एक्शन एट्रीब्यूट कैरी कर रहा है, एक्शन एट्रीब्यूट पेज के यूआरएल को कैरी करता है, तो http://www.example.com/profile.php क्लोज करेंगे। नाउ स्टार्ट न्यू पैराग्राफ। डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, ये शॉर्टकट की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ लाइन ब्रेक के लिए हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं BR का यूज़ हम करते हैं। नाउ रेडियो बटन क्रिएट करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स रेडियो, किस टाइप का हम क्रिएट कर रहे हैं बटन, रेडियो, तो टाइप में हम वैल्यू रेडियो डालते हैं। नेम इक्वल्स टू किस टाइप के रेडियो बटन हम क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इतना नेम दे देते हैं। नाउ वैल्यू डिफाइन करते हैं हमारे रेडियो बटन का नेम क्या होगा। नेम रेडियो बटन का नेम वैल्यू के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल रॉक। नाउ चेक इक्वल टू चेक। चेक एट्रीब्यूट ये बताता है जब हम किसी पेज को लोड करेंगे कि कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड है कौन सा रेडियो बटन सिलेक्टेड नहीं है। क्लोज करेंगे इनपुट टाइप को। नेक्स्ट रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, इनपुट टाइप में हम रेडियो ही डिफाइन करेंगे, हमें रेडियो बटन क्रिएट करना है। सेकंड रेडियो बटन नेम सेम रहेगा, वैल्यू में हम रेडियो बटन का नेम देंगे। अब हम वैल्यू में पॉप दे स्लैश क्लोज करेंगे। नाउ रेडियो बटन नेम, इनपुट थर्ड रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स डबल कोट्स रेडियो, नेम एज इट इज रहेगा, जेंडर वैल्यू, किस वैल्यू में हम रेडियो बटन के नेम को लिखेंगे, लाइक चेस। क्लोज करेंगे, नाउ नेम देंगे, चेक एट्रीब्यूट सिर्फ हम एक ही रेडियो बटन के अंदर डिफाइन करेंगे। जो भी हमारा ग्रुप होगा रेडियो बटन का
उसमें से किसी भी एक रेडियो बटन के साथ हम चेक एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सेव करेंगे फाइल को। उससे पहले हम ये सारी एक्टिविटीज पैराग्राफ के अंदर ही होती हैं। सो क्लोज पैराग्राफ। सेव फाइल। नाउ ओपन दिस फाइल HT4A1। सो यू कैन सी हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो चुके हैं, रॉक, पॉप और जैज। जैसे कि हमने देखा रेडियो बटन रॉक में हम चेक एट्रीब्यूट का यूज़ किया था, इसलिए हमारा रेडियो बटन ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहा है ब्राउज़र के ऊपर। कैन क्लिक हियर, आई कैन क्लिक हियर। इस तरह से हम रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं टाइप, नेम, वैल्यू और चेक एट्रीब्यूट के थ्रू। सो अब हम चेक बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे HT4B1.html। न्यू फाइल क्रिएट कर चुके हैं। चेक बॉक्स के लिए हम सेलेक्ट चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम टाइप में चेक बॉक्स लिखेंगे। नेम एट्रीब्यूट में किस टाइप के हमें चेक बॉक्स क्रिएट करने हैं उनका नाम देंगे, वैल्यू और इसमें भी चेक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म एक्शन HTT /www.example.com/profile.php। क्लोज करेंगे और नोटिस यहाँ पे हम ऑलवेज डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। अब हम चेकबॉक्स क्रिएट करेंगे जिसके लिए इनपुट टाइप, टाइप में हम किस टाइप का बटन क्रिएट कर रहे हैं अब चेकबॉक्स, तो चेकबॉक्स हम लिखेंगे। नेम किस कैटेगरी के अंदर हम चेकबॉक्स बना रहे हैं, इट्स सर्विस। नेम में हम, वैल्यू में हम उस चेकबॉक्स के नेम को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इट्स iTunes और यहाँ पे हम चेक एट्रीब्यूट को भी डिफाइन करेंगे। जब हम पेज को लोड करेंगे, HTML फाइल को ओपन करेंगे, चेक एट्रीब्यूट उस चेकबॉक्स को सिलेक्टेड दिखाता है हमें। स्लैश नेम लिखेंगे, चेकबॉक्स का सेकंड चेकबॉक्स क्रिएट करेंगे, सेम इनपुट टाइप इक्वल्स चेकबॉक्स, नेम इक्वल्स name equals to service and value, value में हम चेकबॉक्स के नेम को लिखेंगे। एक चेकबॉक्स हमने iTunes के नाम से क्रिएट किया, अब हम चेकबॉक्स को last.frm
लिखेंगे ना हम फर्स्ट चेक बॉक्स में चेक एट्रीब्यूट को डिफाइन कर चुके हैं, तो अब हमें सेकेंड चेक बॉक्स के अंदर चेक एट्रीब्यूट को फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो क्लोज करेंगे इनपुट टाइप को, नाउ नेम लिखेंगे चेक बॉक्स का, लास्ट डॉट एफ आर एम। न्यू चेकबॉक्स क्रिएट करेंगे, इनपुट सेम थिंग करेंगे, इनपुट टाइप में चेकबॉक्स, नेम इक्वल्स टू सर्विस, वैल्यू में न्यू चेकबॉक्स के नेम को लिखेंगे। एक चेकबॉक्स हमने आईट्यून्स के नाम से क्रिएट करना है, सेकंड लास्ट अब हम स्पॉटिफाई के नाम से एक न्यू चेकबॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, क्लोज कर देंगे। नाउ नेम को डिफाइन करेंगे चेकबॉक्स। सो इतना काम हम कर चुके हैं चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए, इनपुट टाइप, नेम, वैल्यू और चेक एट्रीब्यूट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम सेव करेंगे फाइल को और अब ओपन करेंगे। हमने HT4B1 नाम से फाइल क्रिएट की थी, अब उस फाइल को ओपन करेंगे। हमने थ्री चेकबॉक्स क्रिएट कर चुके हैं। थ्री चेकबॉक्स क्रिएट करने में हमने सबसे पहले रेडियो बटन पे चेक एट्रीब्यूट को लिखा था, इसलिए आईट्यून्स ब्राउज़र में ऑलरेडी क्लिक हमें दिखा रहा है। कैन क्लिक हेयर, आई कैन ऑल्सो क्लिक हेयर, क्लिक डबल क्लिक। अब हम चेकबॉक्स बनाना भी सीख चुके हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थैंक यू।